नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज। आई नजर डालते हैं खबर की ओर। युवा समाज सेवी सुशील कुमार गुप्ता ने गरीब असहाय लोगों के बीच किया 1100 कंबल का वितरण। डंडई से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। डंडई प्रखंड के रारो बाजार में कैंप लगाकर मंगलवार को युवा समाज सेवी सुशील कुमार गुप्ता के नेतृत्व में नए वर्ष मिलन समारोह सह कम्बल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से बसपा के पूर्व प्रत्याशी सैयद झामुमो नेता ताहिर अंसारी, प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष कयामुद्दीन अंसारी, नक्षेदी कांत राम, मंसूर आलम सहित अन्य अतिथि उपस्थित थे। सभी उपस्थित अतिथियों को समाज सेवी के कार्यकर्ताओं के द्वारा फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात मंच पर मंचासीन लोगों के द्वारा बारी बारी से कार्यक्रम में उपस्थित तमाम गरीब असहाय लोगों के लगभग 1100 कंबल का वितरण किया गया। साथ ही लोगों के बीच मास्क भी वितरण किया गया। इस दौरान कोई भी गरीब, अनाथ, असहाय, विधवा, वृद्ध लोग खाली हाथ नहीं लौटे। सबों को उनके द्वारा कंबल दिया गया। कंबल वितरण समारोह को संबोधित करते हुए बसपा के पूर्व प्रत्याशी सैयद झामुमो नेता ताहिर अंसारी ने कहा कि पंचायत के गरीब असहाय लोगों के बीच निस्वार्थ भाव व निजी खर्च से कंबल का वितरण करना बहुत बड़ा पुनीत कार्य है। आज समाज सेवी सुशील कुमार गुप्ता के द्वारा लगभग 1100 गरीब असहायों के बीच कंबल वितरण किया गया, जो यह सराहनीय कार्य से कम नहीं। मौके पर समाज सेवी सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए क्षेत्र के गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल बांटने का काम कर रहे हैं। क्षेत्र में कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुर रहे थे, जिन्हें देखकर हमें रहा नहीं गया और मैंने अपनी निजी खर्च से 1100 कंबल का व्यवस्था कर समारोह में उपस्थित गरीबों को कंबल बांटा। उन्होंने कहा कि मैं प्रत्येक वर्ष ठंड के मौसम में गरीबों के सहायार्थ कंबल गर्म गर्म वस्त्र का वितरण करता रहा हूँ। उसके अतिरिक्त पूरे पंचायत के जरूरतमंद लोगों को हर तरह की सुविधा और सहयोग करता रहता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबों के दुख सुख में शामिल होकर मुझे काफी संतोष की अनुभूति होती है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ईश्वरी ठाकुर, सुषमा देवी, कमला देवी सहित अन्य लोगों ने किया। वहीं मंच का संचालन विजय सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव, भोला यादव, कर्मदेव यादव, माया देवी, प्रियंका देवी, दिलदार सिंह, राम भरत सिंह, संजय सिंह, गणेश सिंह, मनोज राम, पंचम सिंह सहित काफी संख्या में ग्रामीण लोग उपस्थित थे। यह जो कार्यक्रम हो रहा है सर, आप कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं इसको? लगभग ये तीसरा बार कमल वितरण करने का काम किया हूँ गरीब लोग को। और मैं बहुत से काम ऐसा है कि रारो पंचायत को मैं बहुत से दिनों से तीसरा बार स्टार्टिंग किया हूँ। ये चौथा चलने वाला है, अबरी आएगा चौथा चलेगा। तो हरेक बार मैंने हरेक भली भांति में यहाँ लाइन का व्यवस्था नहीं था। मैंने ट्रांसफार्मर यहाँ 13 को ला करके मैंने लगाने का काम किया, यहाँ बिजली देने का काम किया और सड़क एक भी जर्जर, पूरा जर्जर था। मैंने सभी रोड बनाने का भी मैंने काम किया यहाँ पे रारो पंचायत के अंदर। और चांपा कल वगैरह रारो पंचायत में जितना भी खराब होते हैं, उस चांपा कल भी मैं ही बनाने का काम करता हूँ। जहाँ जहाँ खराब होता है वहाँ वहाँ चांपा कल बनाता हूँ। और रारो पंचायत में जहाँ भी हमारे बहन भतीजिन को शादी होता है वहाँ पर मैं कन्यादान देने का काम करता हूँ। एक चांदी का नोट रहता है, उसमें एक साड़ी देता हूँ अपना बहन बेटी को। और मृत्यु जिसका घर में घटती है, मैं वहाँ पर एक दिनार रिफाइन, 25 किलो चावल, 25 किलो आटा, 100 गो पतल, 100 गो गिलास, 501 रुपया वहाँ पर भी मैं दे करके सहयोग करने का काम करता हूँ। और हरेक साल यही कमल 1200 1000 कमल वितरण करता हूँ। इस बार कितना कर रहे हैं वितरण यहाँ पे? आज कितना कर रहे हैं? आज हम 1100 कमल वितरण करने जा रहा हूँ और मैं करके आशीर्वाद लेने का काम कर रहा हूँ। युवाओं में काफ़ी आपका नाम सुना जा रहा है, क्या बात है? हाँ, मेरा यही कामना है कि मैं इसी तरह मैं करता रहूँगा और गरीब जो होते हैं वो गरीब का हाल मैं ही समझता हूँ, मैं ही दिक्कत समझता हूँ जो गरीब क्या चीज़ होती है। क्योंकि मैं गरीब से मैं बिलोंग किया हूँ और गरीबी परेशानी मैं झेला हूँ। आज भगवान की कृपा से हमको भगवान दिए हैं तो मैं ले करके देते हैं, तो मैं लिया करते हैं और गरीबों पर दान करते हैं।
हरेक नहीं एम बोल रहे हैं, आप गरीबों के बीच तो है ही, युवाओं के दिलों में आप राज कर रहे हैं, क्या बात है, कारण क्या हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, देखिए युवाओं आपका बहुत चाहते हैं। हाँ चाहेंगे भी, इसलिए कि मैं उस तरह काम कर रहा हूँ तो चाहेंगे भी। हम तो चाहते हैं कि हमारे जितना भी युवक हैं उन लोग हमारे जैसा निकलें, बहुत खुशी की बात होगा कि इसी तरह जिस तरह मैं आया हूँ इस लाइन में उसी तरह सभी युवक लोग यहाँ के युवा चाह रहे हैं कि इसको जो है। आप देखते रहिए ग्रीन लाइन न्यूज़। रांची ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का ब्रांच गढ़वा शहर नारायणपुर डंडवा में खोला गया है। प्री नर्सरी से क्लास 6 तक नामांकन प्रारंभ है, जहां बच्चों के लिए डिजिटल व एसी क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब एवं बस की सुविधा उपलब्ध है। 9031474750 पर संपर्क करें।